भारत पहली बार रूस से मसूर दाल का आयात करेगा और यह आयात 6 महीने तक किया जाएगा। भारत सरकार ये आयात कनाडा और ऑस्ट्रेलिया पर मसूर के लिए निर्भरता को कम करने के लिए करेगी। आपको बता दें कि मसूर दाल की कीमतें भारत में रिकॉर्ड हाई पर चल रही हैं और सरकार के इस आयात के फैसले से मसूर की कीमतों को नीचे लाने में मदद भी मिली है। सरकार के मसूर दाल के आयात के फैसले से आयातित मसूर का दाम बंदरगाहों पर लगभग 2.5% कम करने में मदद मिली है। मसूर दाल की कीमतों में अच्छी तेजी भी देखने को मिली है। आपको बता दें कि मंगलवार को साबुत मसूर का थोक दाम भारत में औसतन 80 रुपये किलो देखने को मिला था, वही खुदरा में 100 रुपये किलो रहा। इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर मसूर दाल थोक और खुदरा बाजारों में इतनी ऊंची कीमतों पर बिक रही है तो उपभोक्ताओं को कितने दाम में मिल रही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।